लेस्ट अमेरिका में बोला गया हम लोगों को ए बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम, बॉडी का मास कितना है 3 किलोग्राम है, मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास कितना है 3 किलोग्राम है, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वो मान लेते हैं u1। ठीक है, मेक एन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर बॉडी जिसका मास m2 है, इसका मास m1 होगा। ठीक है, तो ये जो है इसकी u2 की वैल्यू जो 0 होनी चाहिए, तो क्यों बॉडी इज एट रेस्ट देन कंटिन्यू टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। कोलिजन के बाद क्या हो रहा होती है कि ओरिजिनल डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन से ही मूव करते हुए आगे तक चल रही है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, विद द स्पीड इक्वल टू द 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी इसकी, u1 थी, तो इसको मैं 5 कोलिजन के बाद जो कोएफिशिएंट होते हैं ये मान लेते हैं। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड इज द फाइनल मास ऑफ द सेकंड बॉडी का मास हमें कंप्यूट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब v2 के बारे में कोई बात नहीं कही कि उसकी वेलोसिटी कितनी है कैसी है, उसके बारे में कोई बात नहीं, फर्स्ट रूप के बारे में इंफॉर्मेशन दी है तो देखो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं v1 = u1 m1 - m2 + 2 u2 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 + m2 दूसरा फॉर्मूला हमारे पास u2 m2 - m1 + 2 u1 m1 होल डिवाइडेड बाय m1 + m2। ठीक है, तो दोनों में से सेम फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, यूजली गेट दैट आंसर। बट यहां प्रॉब्लम एक आई थी, सेकंड फॉर्मूले में हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते तो v2 के बारे में कोई नॉलेज नहीं है हमारे पास। ठीक है, कि v2 चल रहा है कि रेस्ट में है, तो उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो यहां पर हमें इस फॉर्मूले में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन हम अगर इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये इजीली सब्स्टिट्यूट होगा क्योंकि सारी सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करते हुए वैल्यूज को डालते चलते हैं। तो देखो कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, v1 = 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड कितनी, u1 जितनी चल रही है तो कोलिजन के बाद होते वो 1/3 हो जाएगी उसकी। तो इसके बारे में उन्होंने दिया गया हमने, तो सारी वैल्यू बाहर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। और एक और बात, u2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, अब वैल्यू जो बाहर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, v1 = u1 चलो v1 फार्मूला लेते हैं पहले, u1 m1 - ऑफ m2। अब देखो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा क्योंकि u2 तो 0 है, डिवाइड बाय m1 प्लस ऑफ m2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, b1 की वैल्यू कितनी है 1/3 ऑफ u1। ठीक है, विल बी इक्वल टू द कितना बन जाएगा ये, फिर कितना बन जाएगा ये, फिर हमारे पास u1 m1 की वैल्यू कितनी बोली है 3 kg। क्या देखो 3 kg माइनस ऑफ m2 अपॉन 3 + m2, u1 के साथ u1 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सभी को, तो हमारे पास बन जाएगी 3 + m2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, यहां पे ये बन जाएगा फिर हमारे पास 3 - 3 - m2 u1 की इक्वेशन। अब इसको सिंपलीफाई कर दो तो कितना बन जाएगा, 3 + m2 इज इक्वल टू 9 - 3 m2। m2 की वैल्यू निकालनी है, इसको उठा के सब ले आए m2 plus of 3m2 is equal to 9, इसको उठा के सब लेंगे माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 4m2 और ये बन जाएगा 6, तो m2 will come out to be 6/4 that is 3/2। ठीक है, and 3/2 will come out to be 1.5 kg। ठीक है, तो this one is the answer of this question। तो सिंपल हमने मैं थोड़ी सी फार्मूला यूज किया, अगर हम लोगों को फार्मूले याद होंगे तो हम इजीली इन क्वेश्चंस को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, दिस वन इज अ इंपॉर्टेंट वन that is JEE and NEET examination point of view से। ठीक है, तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन जो हो पूछे जाते हैं।